ऐसे कहो जैसा कि तुम इस पर यकीन रखते हो। दिन 18 मई 2022, अकीदे के ऐलानात। मैं ऐलान करता हूँ कि कामयाबियाँ यहाँ हैं और अब मेरी ज़िंदगी में खुदा की भलाई के अचानक फट पड़े हैं। एक चाल नहीं, नदी नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत का सैलाब, शफायाबी का सैलाब, हिकमत का सैलाब, एहसानात का सैलाब। मैं एक कामयाब शख्स हूँ और मैंने ज़िंदगी गुजारने का इंतखाब किया है तरक्की याफ्ता जहन के साथ। ये मेरा ऐलान है। खुदाई सेहत के तराफात। मैं पानी ले जाने वाला बादल हूँ। मैं अपने जिस्म से ज़िंदगी के अल्फाज कहता हूँ और ये जवाब देता है। मेरा जिस्म ज़िंदगी से भरा हुआ है। मौत, बीमारी और अंधेरे की ताकत मुझ में कुछ नहीं। जो मुझ में रहता है वो इस दुनिया में रहने वाले से बड़ा है। खुदा की बरकत हो, हालेलुया। मैं जो कहूँगा वो मेरे पास होगा यीशु के नाम से। मैं मजबूत हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं मसा शुदा हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं खुदा का महबूब हूँ, मैं खुदा और बनी नौ इंसान का पसंदीदा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, वो नहीं जो मैं देखता हूँ। मैं एक कीमती बीज हूँ। मैं अपने खुदा के घर में अच्छी ज़मीन पर लगाया गया हूँ। मैं अपने रब के दरबार में खजूर के दरख्त की तरह फलता फूलता हूँ। मैं इसके मौसम में बहुत ज़्यादा फल लाता हूँ। मैं खुदावंद में सैप और हरियाली से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी तरोताज़ा और फलता फूलता रहूँगा। मेरा पत्ता नहीं मरता और जो कुछ भी मैं यीशु के नाम में करता हूँ कामयाब होता हूँ। यीशु के नाम में चीज़ें हमेशा मेरे लिए काम करती रहती हैं। मैं मसीह यीशु में हर रूहानी नेमत का वसूल करुंदा हूँ। मैं एक रूह हूँ, मेरी रूह में एक रूह है। मेरी रूह और मेरी रूह एक जिस्मानी जिस्म में रहते हैं। मेरी रूह को हुक्म देती है, मेरी रूह सुनती है, वसूल करती है और मेरे जिस्म को हदायत देती है और मेरा जिस्म इस पर अमल करता है। यीशु के नाम पर मैं अपने जिस्म से बात करता हूँ। खुदा की नाकाबिले तस्खीर ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में हमेशा वाज़े और ज़ाहिर होती है। मैं अपने जिस्म की हर तफसील से ज़िंदगी की बात करता हूँ। मैं अपने जहन से कहता हूँ कि मसीह के जहन की तरह कामिल बनो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाओ। मैं अपने टेंडेंस और आसाब से ज़िंदगी की बात करता हूँ। मैं अपने पट्ठों और लिगामेंट से ताकत की बात करता हूँ। मैं अपने दिल से ज़िंदगी की बात करता हूँ। मैं आम वेंटिलेशन और परफ्यूजन तनासुब को बरकरार रखने के लिए अपने फेफड़ों और टिश्यूज से बात करता हूँ। मैं अपने गुर्दों, जिगर और लुलबे से कमाल की बात करता हूँ। मेरे खून के हर खलिए में जिंदगी है। मेरी हड्डियाँ, जोड़ और कार्टिलेज सीध में मजबूत और ठोस हैं। मेरे पूरे ऊपरी और निचले अज़ा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मेरी आंखें साफ और मुकम्मल तौर पर देखती हैं और मेरे कान बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मेरी जिल्द हमवार है और सेहतमंद है, एक नए पैदा होने वाले बच्चे और खुदा की खूबसूरती की तरह। मेरे बालों के फॉलिकल्स सख्त हो गए हैं। मैं अपने बालों को अपनी जगह पर रहने का हुक्म देता हूँ और जहाँ बढ़ोतरी की जरूरत होती है मैं अपने फॉलिकल्स में नमू जारी करता हूँ। मेरे दांत, मसूड़े, जबड़े की हड्डियाँ
असाब और खून की फराहमी सब सेहतमंद, मजबूत और कामिल हैं। मेरे तमाम हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ कामिल हमांगी में हैं और अपने अफाल को आमतौर पर अंजाम दे रहे हैं। मेरा निज़ाम हाजमा तमाम खानों को हजम, जज्ब और इंतजाम करने के काबिल है और मेटाबॉलिक फजले की मसनूआत बाकायदगी से खारिज होती हैं। मैं हर किस्म का नशा, शराब, निकोटीन, मंशियात, बेंचिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा खाने, टेक्नोलॉजी, मीडिया, ताखीर, गपशप, सुस्ती, ज़रूरत से ज़्यादा सोने और काहली और ज़बरदस्ती खरीदारी और हर किस्म की हद से ज़्यादा लज्जत को कैद में और मसीह की फरमाबरदारी में लेता हूँ, जैसा कि यीशु है मैं भी हूँ। हर वो चीज़ जो खुदा ने बनाई है वो मेरे लिए ज़िंदगी और शफा है, इसलिए खाने पीने की चीज़ों, मिट्टी, जानवरों वगैरह से एलर्जी का मुझ पर कोई अख्तियार नहीं है। खुदा ने मुझे सारी ज़मीन पर हुकूमत दी है। मेरा तौलीदी निज़ाम काफ़ी मकदार में और अच्छी नकलो हरकत वाले स्पर्म्स पैदा और जमा कर रहा है। मेरा तौलीदी निज़ाम बर वक्त अंडे के खलिये पैदा कर रहा है, पैदाइश तक जनीन की हिफाजत और परवरिश कर रहा है। मैं अपने जिस्म के हर खलिये में बरकी और कीमियाई तादाद को हम आंगी और तवाजन में रहने और ख़राब खलियात को हजम करने का हुक्म देता हूँ। मेरे जिस्म का हर अजू, हर टिशू इस कमाल के साथ काम करता है जिसके लिए खुदा ने इसे बनाया है, और मैं अपने जिस्म में किसी भी खराबी और बेतरतीबी को मना करता हूँ यीशु के नाम पर, आमीन। मेरी पूरी इंसानी एनाटॉमी, मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी मसीह यीशु के जलाल में कामिल है, हालेलुया, आमीन। खुदा बाप मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। खुदा बेटा मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। खुदा की रूह मुझसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। शालोम।